साबिक वजीर दाखला शेख रशीद का कहना है कि 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी, अवाम और इदारों को लड़ाने की साजिश नाकाम होगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मरियम नवाज ने अहम शख्सियत का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बनाया, अवाम और इदारों को लड़ाने की साजिश नाकाम होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे एक पैगाम में कहा है कि आर्टिकल 245 कहना आसान है, लगाना मुश्किल है। वजीर दाखिला होश में रहे, वोट को इज्जत दो की चीखें निकलेंगी। उन्होंने कहा है कि ट्वीट से लंदन मीटिंग पर जल्द कौम को बाखबर करूंगा। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी और शरीफ की सियासत का फैसला लंदन की मीटिंग में होने जा रहा है। मरियम कहती है कि मैं शहबाज शरीफ की शेख हुकूमत से खुश नहीं। उनका कहना है कि मरियम नवाज कहती है मैं इसहाक डार की जिम्मेदार हूँ, शहबाज की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। इसहाक डार माशी एदाद व शुमार में टेम्परिंग करने के माहिर है। मिफ्ता इस्माइल मुफ्त में मारा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुस्लिम अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी हैं और दूर ही रहना चाहती हैं। अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में जोहराने से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो पहले भी वादा कर चुके हैं कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदा छोड़ देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि मजबूत मुईशत के बगैर कौमी अहदाफ हासिल नहीं कर सकती। मुईशत को बहाल करना अव्वलीन तरजीह है। कमजोर मुईशत की बहाली हर तबके की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मुईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। ख्याल रखे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमरीका के दौरे पर हैं, जहां उनकी जो बाइडन इंतजामिया के सीनियर हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। वफाकी वजीर खजाना सैनेटर इसहाक डार ने कहा है कि बहुत बहुतान तराशी करने वाला इमरान खान बहुत बड़ा डाकू है। डॉलर को 200 रुपए से कम पर लाऊंगा। इस माह पेट्रोल पर 5 रुपए लीपी लगने वाली थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर खजाना सैनेटर इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सिर्फ अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। नवाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाना पूरी पार्टी की ख्वाहिश है। सैनेटर इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान ने हर फॉर्म पर पाकिस्तान को बदनाम किया। इमरान खान ने कहा था कि सियासत में कभी नहीं आऊंगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि शहबाज शरीफ और पार्टी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ ही लीड करें। वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के धरने को मुकम्मल ट्रीटमेंट फराहम करेंगे। वो बस तैयारी रखें और आने वाले बने इमरान खान के धरने को संभालने की तैयारी पूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने ये बात किसान इत्तेहाद के धरने में ज़राए अब्लाग से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई चाहते हैं। इस धरने का तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 245 के तहत रेंजर्स और पुलिस समेत तमाम इदारे शामिल होंगे। वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा कि पूरी कौम जानती है कि इमरान खान मुल्क को तकसीम करना चाहता है। बहुत जल्द इस फितने का किला कमा किया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज साजिद आवान ने 2 साफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि इस बात में कोई शक नहीं, बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ को आईनी और सरकारी जिम्मेदारियाँ निभानी है। ये भी हकीकत है कि मुलजिम 2021 से मुसलसल अदालत में पेश हो रहा है। शहबाज शरीफ की अदम पेशी से ट्रायल मुतासर नहीं होगा। हुक्म में मजीद लिखा गया है कि शहबाज शरीफ ने अपनी जगह अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। मोहम्मद अनवर हुसैन एडवोकेट शहबाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर हर पेशी पर अदालत पेश होंगे। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर की जाती है। ताहम अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ अदालत पेश होने के पाबंद होंगे। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली थी।